दोस्तों, स्वागत है आपका इनाई किचन प्राइम में। तो आज हम बनाने वाले हैं मिनी चॉको चिप्स केक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे हमें कैसे बनाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने ले लिया है एक बॉल। बॉल में डालेंगे एक अंडा। तो मैंने यहाँ पर ली है 1 पाउंड कप चीनी। ये पिसी हुई चीनी है। आप नॉर्मल, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी ना हो तो आप नॉर्मल चीनी लेकर उसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, तो वो पाउडर चीनी बन जाएंगी आपकी। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हल्का लाइट कलर आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हल्का लाइट कलर इसमें आ चुका है। अब डालेंगे दो बड़े चम्मच में डाल रही हूँ मेल्टेड बटर। आप तेल या घी का भी यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। मैदे को हमें पहले से छान कर रखा हुआ था। मैदे को या किसी भी चीज़ को हमें इसमें छान कर ही यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बचा हुआ मैदे को भी ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमने लिया है 1 कप मिल्क दूध। अब इसमें हम ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध डालेंगे और इससे मिक्स कर लेंगे। रूम टेम्परेचर वाला ही दूध का हमें यूज़ करना है। कोई भी ठंडी फ्रिज वाली चीज़ इसमें फ्रिज में से डायरेक्टली निकाल कर केक में हमें इसमें ऐड नहीं करनी है। सभी चीज़ों को हम रूम टेम्परेचर वाली ही यूज़ करेंगे। जैसे दूध की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसमें दूध डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बिल्कुल लंगपुरी और समोसा बैटर चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल समोसा और लंगपुरी सा बैटर हमारा जो बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके का बैटर हमें चाहिए होगा। जिस तरीके से चम्मच से गिर रहा है नीचे, जिस तरीके से प्लेट्स बन रही है, इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए होगा। आप देख सकते हैं बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाली है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। अब डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस एक ही डायरेक्शन में हमें इसे मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है एप्पे बर्तन। इसके लिए मैंने रखा है इसके नीचे मैंने रखा हुआ है लोहे का तवा। जो एप्पे बर्तन है उसे मैंने 5 मिनट के लिए फ्रीट कर लिया है, यानी कि मीडियम आँच पर इसे मैंने 5 मिनट के लिए फ्रीट कर लिया है। अब डालेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें घी या ऑयल, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। इसे ऑयल से अच्छे से ग्रेस कर लेंगे। डाले हुए घी को अच्छे से ग्रेस कर लेंगे ताकि जो हम केक बनाएंगे वो इसमें चिपके ना। जो केक का बैटर हमने रेडी किया है वो इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसी तरीके का बैटर हमें यहाँ पर चाहिए होगा। इसे हमें पूरा भरना नहीं है, थोड़ी सी जगह हमें इसमें छोड़ देनी है ताकि जब हमारा केक फूले तो उसमें जगह होनी चाहिए। इसी तरीके से सभी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं सभी में मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे थोड़े से चॉको चिप्स। सभी पे चॉको चिप्स डाल देंगे। आप देख सकते हैं सभी पे मैंने चॉको चिप्स को इस तरीके से डाल लिया है। गैस को हमें लो आंच पर रखना है और 25 मिनट्स के लिए हमें ढककर रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने 20 मिनट्स बाद ही इसे खोलकर देखा था तो ये अच्छे से ब्रेक हो चुके हैं। तो मैं आपको चेक कर भी दिखाती हूँ कि ये कम्प्लीटली पक चुके हैं हमारे अंदर से। तो आप देख सकते हैं पूरा क्लीन आया है, इसका मतलब ये अंदर से अच्छे से ब्रेक हो चुके हैं। तो मैं आपको इसे निकाल कर भी बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे से कितना बढ़िया सा कलर इसमें आ चुका है। ऊपर से भी अच्छे से ये पक चुका है, यानी कि ब्रेक हो चुका है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये टाइम के लिए भी आप आसानी से घर में रहके हुए सामान से इसे रेडी कर सकते हो, या बच्चों को भी इस तरीके से अगर आप बना कर दोगे तो वो भी बहुत ही पसंद से ये रेसिपी को इंजॉय करेंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिनी केक्स मिनी केक या टी टाइम केक भी आप इससे कह सकते हैं जो बनकर रेडी हो चुके हैं।